मॉर्निंग ऑडियो का बता दीजिए। माई ऑडिबल और नॉट? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है अरुणाचल जी के सीरीज का। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली अरुणाचल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। चलिए आज इसी सीरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए बाकी सारी चीजों को भी और डिस्कस करें। गुड इवनिंग, गुड सॉरी गुड मॉर्निंग पविन जी, बाकी सारे स्टूडेंट भी ज्वाइन कर ले, फिर हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर 9 है, बाकी 8 लेक्चर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी जिसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बीच में बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, इनकेस आप लोगों की कभी क्लास मिस हो जाती है तो ये क्लास का लिंक एक्टिव ही रहता है, तो इसमें आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन है, और आज ये डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चंस को हम फिनिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो निकम जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी है जी इसका करेक्ट आंसर। पाबिंग जी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनकेस आप लोगों की स्क्रीन क्लियर ना हो तो क्वालिटी को थोड़ा इन्हांस कर लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, कुछ सिंपल सी बातें, रादादी डिस्ट्रिक्ट कब बनी, कैसे बनी। सिंपल सवाल यह है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को काव आउट उससे डिवाइड करके बनी है। तो आंसर आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज याद रखिएगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम का इनिशियल के से स्टार्ट होता है, के स्टार्ट होने का मतलब इसमें ईस्ट कामेंग या वेस्ट कामेंग नहीं होगा क्योंकि वो ई और डब्ल्यू हो गया। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम के से स्टार्ट होता है वो सब 2000 के बाद की बनी हुई है। जैसे कि कुरुंग कुमे हो गई, कामले डिस्ट्रिक्ट हो गई, रादादी हो गई, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट 2000 के बाद बन गई। जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी फैक्ट पढ़ते हैं जहां बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्ट्स हो, तो वहां पे फैक्ट्स के ऊपर कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करा करिए, क्योंकि एट द एंड आपको यही पैटर्न याद रहते हैं। और दिमाग में जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पीरियड में, तो यही सारे फैक्ट्स आपकी मदद करते हैं, यही सारे पैटर्न आपकी मदद करते हैं। तो देखिए ये इनिशियली डिविजन्स थी, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्शन फिनिश करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। यही 5 फ्रंटियर या 5 मेन डिविजन थी 1965 में। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि किस डिविजन से कितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनी। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों डिवीजन थोड़ी ठीक ठाक बड़ी है, कामेंग और ये तिरप डिवीजन थोड़ी छोटी है। साइज की अगर हम बात करें तो देखिए 5 डिवीजन में से 3 का साइज आपको कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 2 का साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है। फाइनली ऐसा डिवीजन होता है, एंड फिर फाइनली आज का मैप ये है। तो मैंने आप लोगों को बताया था तिरप डिवीजन से क्या क्या चीजें बनी है। तिरप से बना है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। देन लोहित डिस्ट्रिक्ट से आपको लोहित और दिबांग वैली दिखेंगी। फिर दिबांग वैली का बाइफर्केशन होता है 2001 में, अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती, और अंजाव एंड नामसाई भी यहां से देखने को मिलती है, और ये पार्टीशन हो रहा है लोहित डिस्ट्रिक्ट से। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करते सियांग डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए सियांग डिस्ट्रिक्ट में सारे डिविजन होंगे, जैसे हम नॉर्मल डायरेक्शन बोलते हैं ना, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट, वेस्ट और एक सेंटर में। तो नॉर्थ और साउथ की जगह आपने यहां पे अपर कर देना है, लोअर कर देना है, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सियांग। तो इसके पांच डिवीजन तो ये हो गए, और दो एक्स्ट्रा डिवीजन है, शी योमी एंड लेपरर। तो सियांग डिवीजन में से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स बनी है, पाए तो सियांग ही है, अपर लोअर ईस्ट वेस्ट एंड एक सिंपल सियांग। एंड उसके बाद दो और जो सबसे लेटेस्ट बनी है 2018 में बनी है, दिसंबर के महीने में बनी है, दैट आर शी योमी एंड लेपरड। अगले के ऊपर बात करते हैं, सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट से 1980 में लोअर सुबानसरी, अपर सुबानसरी, देन पपुम पारे 1992 में, और जितनी भी के नाम के डिस्ट्रिक्ट बनी है वो सब सुबानसरी से ही आती है, जैसे कुरुम कुमे हो गई, क्रा दादी हो गई या कामले हो गई। तो अगर हम एक फ्रंटियर डिवीजन की बात करें तो सुबानसरी से ही सारे के आते हैं। के किरण यानी शाहरुख खान की फैन होंगे यहाँ पे। याद करने का तरीका है सिर्फ इस तरीके से, तरीके जोड़ लिए जाते हैं। पीटर जी कह रहे हैं लेपर आडा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ वेस्ट सियांग। आपके पास अगर कुछ ऐसा सोर्स है तो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। मैंने क्या बोला, इसमें फिल्ट्रेशन होता रहेगा डाटा का, क्योंकि ये पहली बार कुछ ऐसी तरीके से मैं चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये लेपर आडा डाउटफुल है तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो पीटर जी ये लेपर आडा के बारे में इसको करेक्शन कर लेंगे, तो अभी मैं इसको डाउटफुल कहता हूँ। पर पॉइंट बीइंग ये है कि सबसे पहले आप जो डिविजन्स है उसको समझिए, एंड लास्ट है कामेंग। कामेंग में से चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, तवांग एंड पाके के साथ। सो बेसिकली कामेंग में से चार डिस्ट्रिक्ट्स निकल के आ रही है, सुबानसरी में से छह, सियांग में से सात, लोहित में से पांच एंड तिरप में से तीन। सबसे पहले आप लोगों को ये डिविजन्स पता होने चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकल के आ रही है। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बताइए कामेंग में से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकल के आई है। कामेंग एज अ डिवीजन, एज अ यूनिट की बात कर रहा हूं कि 1965 से कामेंग वाले इलाके से कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनी है। ओके पीटर जी, मैंने बोल दिया कि उसको करेक्ट कर लेंगे। तो वेस्ट सियांग से पार्टीशन होके कार्वेशन होके बनाए, उसको मैं अगली बार नोट्स में करेक्ट कर लूंगा। थैंक यू पीटर जी, क्योंकि ये देखिए ये पहली बार नोट्स बन रहे हैं और ये सारी चीजें इस तरीके से मैं एड ऑन कर रहा हूं, तो उसमें कुछ 99% हो सकता है कि हाँ जी कोई ना कोई एक ह्यूमन एरर हो जाए, कोई ना कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले संतोष जी कह रहे तवांग वेस्ट जी, वेस्ट ईस्ट तवांग पाके के साथ। सुबानसरी से बताइए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आई हैं, छह आई हैं टोटल। इसे तिरप से आपको पता है, तिरप, चांगलांग एंड लोंगदिंग। तो सुबानसरी से कौन कौन सी आई है, अपर सुबानसरी बताइए, सुबानसरी से जल्दी से बताइए, एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। तो सुबानसरी से जो डिस्ट्रिक्ट आई हैं दैट आर अपर सुबानसरी, लोअर सुबानसरी, पपम पारे हो गया,
केके, केडी एंड कामले। तो जितनी भी के वाली हैं जिनका नाम के से है वो सब सुभांश्री से हैं जैसा मैंने बताया। उसके अलावा लोअर अपर एंड पप्पू पारे तो हो ही गए। अगली यूनिट की तरफ बात करते हैं। सियांग से मैंने जैसा बताया अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग एंड सियांग, पांच तो ही हो गई। एंड शियुमी एंड लास्टली पराड। ये सात है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही लोहित से पांच डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी बनी है? अब जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब आपको लोहित में से देखने को मिलेगी। लोहित में दिबांग वैली की दो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। उसके अलावा बताइए और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं? अब लोहित का इलाका, लोहित का लोकेशन जब आपको पता होगा तो आप यहां से एक रफ गैस तो कर ही सकते हैं। जैसे अपर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली हो गया, लोहित खुद एक डिस्ट्रिक्ट है ही, अंजाव एंड नामसाई, मैंने बताया था लूलन याद रखने को। तो लोअर दिबांग वैली, अपर दिबांग वैली एंड देन आपका लोहित एंड देन अंजाव एंड नामसाई। तो अब इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होंगी। अब मेरा एक सवाल है, जब अरुणाचल स्टेट बना, ये आप लोगों के लिए सवाल है, तो जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स थी? सवाल इसी तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, बताइए जब अरुणाचल स्टेट बना तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? तो अब अगर ये इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं देन आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपने आंसर को मार्क करना। इसके बाद जो आपको याद करना है बस वो ईयर का एक रफ आइडिया याद करना है। बाबिंग जी कह रहे हैं जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना तब 24 डिस्ट्रिक्ट थी। एनबी जी कह रहे हैं पांच डिस्ट्रिक्ट थी। स्टेट कब बना है याद रखिएगा, स्टेट बना है 1987 में। तोको जी भी कह रहे हैं पांच, संतोष जी कह रहे हैं 11। अब देखिए ये सारे फैक्ट्स आपको पता है लेकिन उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन में आप लोगों के अलग अलग आंसर आने लगते हैं। तो आप समझिए कि एग्जामिनर कैसे गेम खेलता है। नबम जी कह रहे हैं पांच। देखिए अगर आप इसका आंसर ये इस बात पे देते कि जब वो यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश बना नेफा से यूटी तो पांच डिस्ट्रिक्ट थी तो ये करेक्ट होता। पर जैसा मैंने बताया आपको ये पता होना चाहिए, ये देखिए 1965 में पांच डिस्ट्रिक्ट से जो सफर स्टार्ट हुआ वो 1980 आते ही नौ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हो जाता है, नौ डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद 1987 में जब तक स्टेट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट के टाइम पीरियड में 10 डिस्ट्रिक्ट्स थी। पांच 1965 से 1980 आते ही हो चुकी है। और ये कलर्स का ध्यान रखिएगा, कलर्स में भी एक एक तरीके की कोडिंग है कि आपको जो ब्राउनिश कलर दिख रहा है ये सारे कामेंग डिस्ट्रिक्ट से निकले हुए आगे डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। ग्रीन वाला सुबानश्री, ब्लू वाला सियांग, ऑरेंजेस ये लोहित और पर्पल तिरप। तो आगे उसी का कॉन्टिन्यूशन आप देखिए। तो आते हुए फैक्ट को आप लोगों ने जल्दीबाजी में पांच कैसे मार्क किया, क्योंकि तो आपको ये याद था कि 1965 में पांच थी लेकिन 1980 में नौ हो चुकी है। 1987 फॉर्मेशन के टाइम पीरियड में ही 10 से 1987 के दिसंबर में एक और बन रही है, पर फॉर्मेशन तो फेब में हो गया है।
इसलिए 11 नहीं 10 आंसर होता है। क्लियर है जी ये पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट? तो सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, मैथमेटिकल मैथमेटिक का लॉजिक है। बड़े डाटा को छोटे छोटे डिवाइडेड छोटे छोटे डाटा में डिवाइड करना सीखिए। जैसे एक और टास्क है आप लोगों के लिए, देखिए 1965 से लेके 2000 तक याद रखिएगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स थी। तो कैसे याद रखना है? पांच तो ये है ही, देन हम सबको पता है कि 1984 में तवांग बन चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1980 में ये इसको छोड़ के, सॉरी इसको छोड़ के, तिरप को छोड़ के बाकी सबके दो पार्ट हो गए, कामेंग का वेस्ट एंड ईस्ट, सुबानसरी का अपर एंड लोअर, सियांग का भी ईस्ट वेस्ट एंड लोहित का लोहित एंड दिबांग वैली। तो टोटल 1980 में ही 9 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं और स्टेट बनने के टाइम पीरियड में 1987 तक बीच में एक ही डिस्ट्रिक्ट बनेगा, दैट इज तवांग 1984 में। देन 1987 में आप लोग बताइए, 1987 में एक डिस्ट्रिक्ट यहां से आता है जिसका नाम था चांगलांग, ठीक है। उसके बाद आपको 1992 में पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। देन 1994 में आपको अपर सियांग देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? यस और नो बताए। इज इट क्लियर और नॉट? अब खुद डिस्ट्रिक्ट आप काउंट करिए कितनी हो रही है, क्या ये 13 हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2000 तक 13 डिस्ट्रिक्ट है, बाकी बाद का डिवीजन 13 डिस्ट्रिक्ट के आसपास का बाद का है। मैं 13 13 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिबांग वैली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी उसको जब डिवाइड करके दो बना तो आपको एक माइनस वन भी करना पड़ेगा जो कि टोटल बनाता है 25 डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में। तो सिंपल पैटर्न्स होते हैं जी, सेम डाटा के याद करने के तरीके होते हैं, कंफ्यूज नहीं करना होता है। तो जब आप ये याद रखिएगा, सियांग में अपर सियांग 1994 में बन गया, पपुमपारे हो गए एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद वाले जो डिविजन है, जैसे आपको देखने को मिलेगा इसके बाद के डिविजन में कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये सब 2000 के बाद के, 2000 से लेकर 2010 तक तीन डिस्ट्रिक्ट आई हैं। तो आप जब बड़े बड़े डाटा को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आप कितना भी डाटा लीजिए आप भूल जाएंगे। तो 2001 में आपको कुरुंग कुमे देखने को मिलेगी, लोअर दिबांग वैली एंड अपर दिबांग वैली का डिवीजन दिबांग वैली से हो चुका है और साथ ही साथ अंजाव यानी चार डिस्ट्रिक्ट को आप इन टोटल कह सकते हैं नई डिस्ट्रिक्ट आई। कुरुंग कुमे हो गई, लोअर दिबांग, अपर दिबांग एंड अंजाव, चार। बाकी जितनी भी बची हुई डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब 2010 के बाद से 2018 तक बनी हुई है, जिसमें लोंगडिंग आता है, नामसाई आता है, क्रा दादी, सियांग आ गया, लोअर सियांग हो गया, कामले हो गया, पाके केसांग हो गया, लेपा राड एंड शी योमी हो गया। तो मैं इसको यहीं रैप अप करता हूं, उम्मीद है आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये याद रखने का तरीका है। और ये टोटल 26 आपका एडिशन हो रहा होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दिबांग वैली
दो पार्ट हो गए, इसलिए आपको एक सेपरेशन, एक माइनस करना पड़ता है, इसलिए टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम के से स्टार्ट होता है वो 2000 के बाद बनी है, और 2018 के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी। जब स्टेट बना था तब 10 डिस्ट्रिक्ट थी, जब यूटी बना था तब 5 डिस्ट्रिक्ट थी, 2000 में 13 डिस्ट्रिक्ट थी। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट पाके केसांग है। एक्चुअली में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को एक ही एक्ट से बनाया गया, पर जिस दिन डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बना उसके हिसाब से न्यूएस्ट एंड ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम डिसाइड करते हैं। तो पाके केसांग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन सबसे बाद में हुआ है, 4 दिन का फर्क है बस, एक 9th है, एक 10th है, एक 14 दिसंबर है। तो पाके केसांग है जी, ठीक है, ये तीनों एक ही एक्ट से बने हैं, तो अब आप न्यूएस्ट ओल्डेस्ट कैसे डिसाइड करोगे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करोगे। आपको पता है काम क्या होता है, ध्यान से समझ। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का सारा काम, जिसमें पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, एक हेडक्वार्टर होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का सारा काम होता है। खाली डिस्ट्रिक्ट बनाना या नाम अनाउंस करने से कुछ नहीं होता, एक बिल्डिंग बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें सारी चीजें, उसका प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जाता है, वहां वर्कर्स होते हैं, वहां ऑफिशियल्स होते हैं। तो जब तक उसकी ओपनिंग नहीं होगी आपका खाली नाम पे डिस्ट्रिक्ट है, तो वो हेडक्वार्टर्स होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के। अब अगर मैं आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सवाल पूछूं तो कर लेंगे, यस और नो बताएं। पाके केसांग भी 2018 में ही बना है। तांगा जी तीनों बनाए, शी योमी, लेपा राधा एंड पाके केसांग। ठीक है, तो ये सिंपल डाटा को डिवाइड करना सीखिए, ये आपके आगे भी काम आएगा। चलिए जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देते रहिए। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का आपको आंसर पता ही है, बड़ा सिंपल है, ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट तवांग हो गया। यंगेस्ट, इनमें से यंगेस्ट कौन सा है? देखिए ये सवाल इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है अगर हल्का सा लेवल बढ़ाना हो तो। बताइए, अब बताइए इसका आंसर क्या है? तो याद रखिएगा 2001 में कुरुंग में लोअर दिबांग वैली एंड अपर दिबांग वैली तीन डिस्ट्रिक्ट्स आपको एग्जिस्टेंस में होते हुए दिखाई देंगे। अपर सियांग तो 1994 में ही आ चुका है जैसा मैंने बताया। कुरुंग में, अपर दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली 2001 का क्रिएशन, क्योंकि दिबांग वैली के दो पार्ट हो चुके। अपर सियांग का अगर मैं ईयर की बात करूं तो दैट इज 1994, ये 1992 है, जैसा ये मैंने बताया ये 2001 है। अब आपको ये याद रखना है कुरुंग कुमे और लोअर दिबांग वैली दोनों 2001 हैं, पर ये अप्रैल में बना है एंड ये दिसंबर में बना है। क्लियर है?
अगर कोई दिसंबर में बनाए यानी बाद में बनाए तो ये यंगेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अपर सियांग तो बहुत पहले बन गया कंपेरेटिवली, इतना आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, क्लियरिटी रखनी है। अपर सियांग भूल जाइए, लोगों का डिमांड चाहिए होता है जी, और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, लोगों का सेपरेट डिमांड चाहिए होता है। तो आप लोग नॉलेज का इस्तेमाल करना सीखिए। सबसे ज्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पॉपुलेशन वाला? तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ज्यादा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन, कब बना, कैसे बना, नॉर्थन मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये सब आपको मैंने बता दिया जी। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आया एग्जाम में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कुछ भी गलत करके नहीं आएंगे। तो इसका आंसर है बी। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा सवाल है जी, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ सबसे कम पॉपुलेशन भी पता होना चाहिए आपको। अगर लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो याद रखिएगा उसमें आपको दिबांग वैली आपको देखने को मिलेगा। और ये सब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। दिबांग वैली की पॉपुलेशन आपको 10,000 से भी कम के आसपास देखने को मिलती है जी। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या है? पायलट साहब है कुरु हसांग जी, और ये फर्स्ट इन अरुणाचल की कैटेगरी है जी। इस फर्स्ट इन अरुणाचल की कैटेगरी में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें। ये देखिए ये लिस्ट है जी। अब ये मैंने अपने एंड पे कलेक्ट करने की कोशिश की है, इसमें से अगर कुछ गलत लगे आप तो प्लीज पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ऐसी और बहुत लिस्ट है, पॉलिटिकल फर्स्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट हो गए, लिटरेरी फर्स्ट हो गए, स्पोर्ट्स के फर्स्ट हो गए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली अरुणाचल से रिलेटेड। हाँ तो डेंसिटी कम होगा ना भैया तांगा जी, डेंसिटी कम होगा, एरिया बड़े होने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हाँ जी वहां पॉपुलेशन ज्यादा हो। डेंसली पॉपुलेटेड यानी दूर दूर लोग रहता है। तो ये कुछ फर्स्ट हैं जी, ठीक है। इसके अलावा अभी लास्ट में क्लास के एंड होते हुए मैं एक पॉलिटिकल हिस्ट्री पे रैपिड फायर आपको कराऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें से आपको सारे आंसर देने होंगे। तो अराउंड 25 क्वेश्चन है जी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है बी। अब मैं आप लोगों से अगर इसकी हाइट पूछूं तो क्या आप हाइट बता पाएंगे? हाइट इन मीटर्स क्या आप बता पाएंगे कितनी हाइट है?
आंगा जी, मैं एक फ्लो लेके आया हूँ उनकी, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, कई जगह 760 मीटर देखने को मिलता है, कई जगह 790 मीटर देखने को भी मिलता है। तो एक तरफ ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको ईस्टर्न हिमालय तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और माउंट काग तो पाचुक रिवर का सोर्स है, जो कि कामेंग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो ये जो माउंट है, ये देखिए, हर एक माउंटेन, खासकर हिमालयन माउंटेन, किसी ना किसी रिवर के सोर्स है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर है, वहां से पानी निकल के नीचे आते। तो पाचुक रिवर यहीं से, माउंट कांगटो से निकलती है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे चूमो है, किल आमला है, गोरी चेन है, दापा बुम है। ये उनकी हाइट्स के साथ आपको मैंने ये लिस्ट दे दी है, चार जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इसके अलावा कोई और आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना पर्पस है इन सब चीजों को, कि आपको एक आइडिया लगे कि आपको तैयारी कैसे करनी होती है। खाली नंबर वन याद नहीं रखना होता, और भी चार पांच एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। कई बार सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट इस तरीके से पूछ लिया जाता है, पर हम तो फर्स्ट हाईएस्ट की याद करके गए। फिर क्या करेंगे, फिर वहां पे हम आराम से बैठ के सोचेंगे कि इंडिया का स्कोर क्या हुआ है और आज टॉस किसने जीता है। ठीक है, तो हमेशा फैक्ट्स जो आपको डिटेल में याद रखना है। ओके ओके पिंकी जी, अब क्वेश्चन नंबर 8, अब थोड़ा करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो ज्यादातर स्टैटिक पार्ट था, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश से टीचर जी को सेलेक्ट किया गया है फॉर नेशनल टीचर अवार्ड 2023। तो पीटर जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बाकी लोग बताएं। नहीं आता तो तुक्का मारिए, तुक्का मारना पड़ेगा एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्का मारना जरूरी है। सबको सब कुछ आता हो, मुझको मुझको भी नहीं आती बहुत बार चीजें, जबकि मैं प्राइमरीली हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कई बार उसके फैक्ट्स भी नहीं आते, तो तुक्का मारना पड़ता है। ठीक है, तो ये टीचर अवार्ड दिया जाता है, और ये नॉर्मली शुरुआत में अलग डेट थी, लेकिन अब ये 5th ऑफ सितंबर को दिया जाता है। 5th ऑफ सितंबर को किसका बर्थडे होता है बताइए? 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, किसके बर्थडे के ओकेजन पे मनाते हैं? कांगा जी कह रहे ऑप्शन सी आपका मामा है, चलिए अच्छी बात है, मामा जी हैं तो मामा जी को हमारा प्रणाम। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे आपके प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, उनके बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है। तो उस दिन नेशनल जो अवार्ड फॉर टीचर दिए जाते हैं, कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और तीन कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो स्कूल एजुकेशन है, लिटरेसी में जिस टीचर ने अच्छा काम किया हो, फिर हायर एजुकेशन में जिसने अच्छा काम किया हो, और तीसरा जिस टीचर ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया हो बच्चों का। तो ये पहली बार 1958 में देने स्टार्ट किए गए थे, ताकि टीचर्स के भी एफर्ट को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, टीचर्स के एफर्ट को नॉर्मली अप्रिसिएशन मिलता नहीं, तो टीचर्स के एफर्ट्स को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इसलिए टीचर्स के ये अवार्ड स्टार्ट किए गए 1958। और 2023 में नेताई चंद्रदेव इनको मिला है, और देवशीष रॉय को भी एक अवार्ड मिला है, वो है स्टेट टीचर अवार्ड।
याद रखिएगा, नेशनल टीचर और स्टेट टीचर में कंफ्यूज मत करिएगा। देवशीष रॉय जी को स्टेट टीचर अवार्ड मिला है, नेताई चंद्र दे जी को नेशनल टीचर अवार्ड मिला। और ये कहाँ के हैं? ये रामकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर में पढ़ाते हैं, तिरप डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो देखिए, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। एक मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सवाल बताया। अब ये है जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीजों को मैनेज करता है, जो कि 1861 में एग्जिस्टेंस में आता है। इसका काम है आर्कियोलॉजी और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। अलेक्जेंडर कनिंगेम को जिम्मेदारी दी जाती है, पहले इसके चेयरमैन वो थे। अब ये हर एक स्टेट की कुछ ऐसी साइट्स को चुनता है कि जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बचाना जिम्मेदारी। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स है, उस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का खास ध्यान रहता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो इसका पार्ट नहीं है? अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अरुणाचल प्रदेश से 0 साइट्स आती हैं, पर टेंटेटिव लिस्ट में 3 साइट्स है। वो 3 साइट्स का नाम अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट है वो भी 3 ही है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो हमने पता किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है, जो इंडियन सरकार ने बनाई, उसमें नामदफा है। उसके अलावा भी 2 और आते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो 2016 तक, सॉरी 2014 तक 3 थे और वही अभी हैं। 2 और हैं, आपातानी कल्चरल लैंडस्केप और थेमबैंग फोर्टिफाइड विलेज। नामदफा नेशनल पार्क है तो नेचुरल कैटेगरी में, बाकी दोनों कल्चरल कैटेगरी में। तो ये याद रखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क, आपातानी कल्चरल लैंडस्केप एंड थेमबैंग फोर्टिफाइड विलेज, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आते हैं। अब बात करते हैं, ये जो सवाल है इस पर्टिकुलर सवाल की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट की 3 है अरुणाचल प्रदेश में, भालुकफोंग, बिस्मक नगर और तमरेश्वरी टेम्पल। भालुकफोंग वेस्ट कामेंग में, बिस्मक नगर लोअर दिबांग वैली में, और तमरेश्वरी टेम्पल यानी कॉपर का टेम्पल आपको लोहित में देखने को मिलेगा। तो ये सब रियल्स है, ये रिमेन्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट सिचुएशन में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही यही है कि जो चीजें थोड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, थोड़ी रियोन्ड फॉर्म में, उनको प्रोटेक्ट करना। तो इसका आंसर क्या है? ईटा फोर्ट इसका आंसर है, वो इस लिस्ट में नहीं आता। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको चुनता है, वो ऐसी साइट को चुना जाता है जो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हो, कि वो किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट का रिमेन हो, किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट की साइट हो, जहां पे कुछ प्रोटेक्टिंग कवरिंग स्ट्रक्चर बना हुआ और जहां पे आसानी से जाना पॉसिबल हो। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे एएसआई इसको सेलेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर साइट को। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ईटा फोर्ट नहीं है, बाकी तीनों है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट है। अलिंग जी, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, और मेरी क्लासेस में मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कॉन्सेप्ट अलग अलग वेरिड कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ।
है। ये है स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये स्टेट प्रोटेक्टेड है, यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे विजयनगर हो गया, नक्शा पर्वत हो गया, कॉपर टेम्पल के रियूंस जो लोहित में, पपुम पारे में, वेस्ट कामेंग में देखने को मिलेंगे और वेस्ट सियांग में, ये स्टेट प्रोटेक्टेड है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अलिंग जी, आप कह रहे हैं कि कॉमन क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूं, ये 9th लेक्चर है, आप सोचिए मेरी सीरीज का। 9th लेक्चर में 90+ क्वेश्चंस है, खाली क्वेश्चन नहीं, मैंने उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस की। मेरे एंड पे मैंने हर एक डोमेन को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज हो अरुणाचल प्रदेश में, चाहे वो नेशनल लेवल की कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई नया पावर प्लांट हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, सब कुछ मैं कवर कर चुका अपने एंड पे। एंड अभी एग्जाम से पहले और लेक्चर्स में बाकी चीजें जो अगर बच गई होंगी उनको भी मैं कवर कर रहा हूं। तो जब आप पूरे 9 के 9 लेक्चर को देखते हैं, उनके नोट्स को देखते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका हर एक पोर्शन को कवर कर लिया गया, इवन स्पोर्ट्स को भी कवर किया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए ना, हर बार आपको एग्जामिनर फुल टॉस नहीं देगा, टफ क्वेश्चन भी देगा, इजी भी देगा, हर एक लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी। अगले क्वेश्चन पे मैं मूव करूं, यस और नो बताएं। तो स्टेट प्रोटेक्टेड ये सब अरुणाचल की ही तो है। अब आप ये सोचिए, वो इसकी जगह दूसरी चीज पूछ लेगा, वो ये पूछ लेगा कि तमरेश्वरी टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, वो ये पूछ लेगा भीष्मक नगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। भीष्मक नगर पे तो सवाल भी पूछा गया था कि सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है अरुणाचल प्रदेश में, तो भीष्मक नगर आंसर था उसका। तो ये साइट्स के नाम खाली नाम नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक प्रोबेबल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आलिंग जी, मैंने हर पोर्शन को कवर किया है और इसके बाद मैं अगले एग्जाम से पहले और बेटर तरीके से एक और सीरीज लॉन्च करूंगा। अभी हमने हिस्टोरिकल चीजें नहीं डिस्कस किए, राजा रजवाड़े रह गए, वो पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी काम कर रहा हूं मैं, उस पर भी डेवलपमेंट चल रहा है। अभी ये 15th अगस्त 1947 में पहली बार कहां पे झंडा फहराया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा आजादी का अमृत महोत्सव, ये क्या है जी, आप लोग बताइए आजादी का अमृत महोत्सव क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव अब फिनिश हो चुका है इसकी। देखिए वही तो बात है ना कि आजादी यानी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर नहीं, ये 75 वाला जो सेलिब्रेशन था उसका जो सारे उसको बोला गया था अमृत महोत्सव। 75 ईयर, 1947 से अगर आप इंडिपेंडेंस के 75 साल जोड़ते हैं तो 2022 है, तो 2022 में तो सेलिब्रेशन चला ही चला, 2023 तक सेलिब्रेशन चला।
पहली बार 1947 में दीपा विलेज में वेस्ट सियांग में फ्लैग होस्ट किया गया था। अब उसी जगह पे 100 फीट का एक फ्लैग का पोडियम बनाया गया है, कहां पे? दीपा विलेज में ही 100 फीट का फ्लैग का पोडियम बनाया गया है, जहां पे फ्लैग लगेगा 100 फीट का। उसको इनॉगरेट करने आए थे कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। और आजादी के अमृत महोत्सव के जो कर्मिनेशन था, जो एंड था, उसको बोला गया मेरा माटी मेरा देश कैंपेन। तो जो आजादी के अमृत महोत्सव का जो एंड वाला कैंपेन है, उसको बोला गया है मेरा माटी मेरा देश कैंपेन। उसी के तहत ये इतना बड़ा पोडियम बनाया गया। अब आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा, आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि वो कौन सी जगह है जहां पे इतना बड़ा पोडियम बनाया गया नेशनल फ्लैग के लिए। अब उसका रेलेवेंस ये है कि वही जगह क्यों चुनी गई, क्योंकि वहां पे पहली बार झंडा फहराया गया था 1947 में 15 अगस्त। एंड इन्होंने मोजे रिबा जी ने और लेट मोजे जी ने इन्होंने मिलके झंडा फहराया था। मेरा माटी मेरा देश एक तरीके का इमोशन है जिसमें कुछ एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करना है, और ये 9 से 15 अगस्त तक अभी चला था, और बड़ी म्यूनिसपैलिटी में 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक ये सब कुछ चला था। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेमोरियल ऑफ केकर मोइंग बना है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बोला गया, मोदी जी की तरफ से बोला गया कि हमने कैसे सेलिब्रेट करना है। हमने सेलिब्रेट करना है जो भी हमारे हीरोज थे, हमारे वॉरियर्स थे, उनके नाम पे मेमोरियल बनाना है, जिसको कहते हैं शिला पकलम, यानी मेमोरियल बनाने। इसीलिए आप देखिए कि एंग्लो अबोर वॉर से रिलेटेड मेमोरियल बनाए गए, केकर मोइंग में मेमोरियल बनाया गया है वॉर ऑफ केकर मोइंग से रिलेटेड। फिर पंच प्राण प्लेज लेनी है। प्लेज क्या है? 5 प्लेजेस है कि हमने अपने देश को डेवलप और सेल्फ रिलायंट बनाना है बाय 2047। कॉलोनियल माइंडसेट को दूर करना है, हेरिटेज को सेलिब्रेट करना है, सिटीजन की ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है, और उनकी रिस्पेक्ट करनी है जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पंच प्राण प्लेज, यानी मोदी जी कह रहे हैं मेरा माटी मेरा देश कैंपेन में आपने क्या करना है, मेमोरियल बनाने हैं, और मेमोरियल पे जाके ऐसी प्लेजेस लेनी है। उसके अलावा अमृत कलश यात्रा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन भी 3 और प्रोग्राम है जो मेरी माटी मेरी देश कैंपेन का पार्ट है। तो अमृत कलश यात्रा क्या है? इसमें 7,500 पॉट्स बर्तन है, जिसमें इंडिया के अलग अलग हिस्से से मिट्टी लेके जाएंगे, सॉइल को कलेक्ट करेंगे, अरुणाचल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, केरला से, सब जगह, कितने? 7,500 पॉट्स बर्तनों में। और ये जाएगी दिल्ली, जहां वॉर मेमोरियल है, और वहां पे जाके इस मिट्टी को रख दिया जाएगा। इसका सिंबोलिज्म क्या है कि पूरे देश की मिट्टी एक है, हम सब एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वसुधा वंदन ये है कि हर एक ग्राम पंचायत को 75 सैपलिंग लगाने, 75 पेड़ लगाने जी। और वीरों का वंदन यानी अपने जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, अलग अलग एरिया के लोकलाइज फ्रीडम फाइटर है, उनके परिवार वाले हैं, उनका फेलिसिटेशन सेरेमनी करनी है, उनका सम्मान करना है। तो ये सब क्या है? ये सब है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जो कि अमृत महोत्सव का एंड है। अमृत महोत्सव कैंपेन था जो भारत 75 डेज, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा था, और उसी का कल्मिनेशन है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। इतना क्लियर है? इसी का पार्ट में आप देखिए केकर मोइंग में आपको मेमोरियल देखने को मिलेगा, दीपा विलेज में इतना बड़ा पोडियम बनता हुआ दिखेगा, ये सब इसी से रिलेटेड है। क्लियर है? यस और नो बताएं, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा।
आप लोग अपने फेलो फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो 9 लेक्चर हुए हैं उसमें से आई कैन एंश्योर यू एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट किया गया। सब अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग डोमेन के क्वेश्चन है। जिन लोगों ने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। इनमें से कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैज रिसीव्ड जीआई टैग और टैक्स? जिन लोगों ने एक सिंगल ऑप्शन को देख के थोड़ा सा लगा है, याद रखिएगा ये सबको मिल चुका है। शुरू में 2 था, अब 5 हो चुके हैं। इस साल 3 और चीजों को जीआई टैग मिला है। अब आप सबको जीआई टैग पता है, मुझे ये बताइए जीआई टैग कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है? कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें प्रोविजन है कि आप किसी एरिया में उगने वाली यूनिक चीज या बनने वाली यूनिक चीज को जीआई टैग दे सकते हैं? ये कहां पे लिखा हुआ है, कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, कौन सा एक्ट है भारत सरकार का या दुनिया के लेवल पे? इसका आंसर तो यही है, बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। आपको हम सबको पता है जीआई टैग रट रखा है हमने, जीआई टैग। मैं पूछ रहा हूं वो कौन से एक्ट में लिखा है। 10 साल वैलिडिटी होती है ले लीजिए, और उसके बाद दोबारा रिन्यू हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी पढ़िए इनडेप्थ पढ़िए, टुकड़ों में मत पढ़िए। देखिए 2015 में ऑरेंज को मिला है, इदू मिश्मी टेक्सटाइल को 2019 में, और बाकी तीनों जैसे खाओ ताई जो राइस है, याक चरकी और तांगसा टेक्सटाइल, तीनों को 2023 में मिला। तो जीआई टैग जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और एक्ट का नाम है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। तो ये कहता है कि आप अपनी कोई भी यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उस पर आपको जीआई टैग मिला तो कोई और उसी सेम नाम से सामान नहीं बना सकता। तो एक्ट का नाम क्या है, गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। WTO एग्रीमेंट ये कहता है कि कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई यूनिक चीज ग्रो होती है, कोई यूनिक चीज बनती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग इंडिया की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। ये WTO के प्रोविजन को मैच करता है। WTO ने बोला कि हर एक देश अपना एक्ट बनाओ ताकि आपकी जो लोकलाइज चीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अमेरिका का कोई और एक्ट होगा, इंडिया का जो एक्ट है जो ये पावर देता है कि इंडिया में मान लीजिए आपके पास जीआई टैग है, आपके पास जीआई टैग है चाय बनाने का फॉर एग्जाम्पल, तो कोई और उस तरीके से चाय बनाएगा तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। तो WTO जो एग्रीमेंट है जिसको ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसका आर्टिकल 1 और 10 ये बोलता है पेरिस कन्वेंशन का कि आप पर्टिकुलर एरिया की होने वाली यूनिक चीजों को प्रोटेक्ट करिए। कौन कौन सी कैटेगरी में हो सकती है, वो एग्रीकल्चरल चीज हो सकती है, नेचुरल चीज हो सकती है, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल गुड हो गया। 10 साल के लिए वैलिड रहता है और इसको रिन्यू किया जा सकता है। एक बार किसी चीज पे ये प्रोटेक्शन मिल गया तो उस पे आपको लीगली प्रोटेक्टेड है, आप प्रिजर्व्ड है, आपके नाम का इस्तेमाल, उस चीज का नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। जीआई टैग एक्चुअली में एक तरीके से क्वालिटी इंश्योर करता है और एक्सपोर्ट में मदद करता है कि हाँ जी ये जीआई टैग वाली चीज है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? तो एक्ट का नाम है गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, और 10 साल की वैलिडिटी के साथ आता है जीआई टैग।
इतना क्लियर है या नहीं ये सुनो, पता है और ये WTO के अकॉर्डिंग ही एक्ट बनाया गया। अब तांगसा टेक्सटाइल ये आपको दिख रहा है, अपने डिजाइन और वाइब्रेंट कलर के लिए इसमें नेचुरल डाइज इलेबोरेट डिजाइन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए, हाँ जी पाबिन जी बताइए, जिसने अप्लाई किया उस कंपनी का नाम है या उस ग्रुप का नाम है नॉन्गथेम हैंडलूम क्लस्टर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मियायो, क्योंकि कोई ना कोई अप्लाई तो करेगा ना, ऐसे नहीं मिल जाता कि हाँ जी अचानक से किसी को मिल जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई कोऑपरेटिव होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, वो अप्लाई करता है, उसके बाद पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है एंड देन जीआई टैग मिलता है, हो सकता है ना भी मिले। तो नॉन्गथेम हैंडलूम क्लस्टर प्रोड्यूसर कंपनी ने इसके लिए अप्लाई किया था और उनको ये मिला। हाउताय आपको पता है एक राइस है जो कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस करता है, और यहाँ इसकी यूनिकनेस क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग एरोमा, स्वीट टेस्ट, और ये शॉर्ट ग्रेन बोल्ड राइस की कैटेगरी में आता है जो कि कैटेगरी नंबर क्लास नंबर 31 है। इसके लिए एप्लीकेंट कौन था, नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अगर एग्जामिनर को लेवल बढ़ाना होगा तो वो कंपनी का नाम पूछ लेगा, वैसे तो अभी तक ऐसे नहीं पूछा गया है, और हमेशा याद रखिएगा जो चीज नहीं पूछी गई है हमको उसके लिए भी तैयार रहना है, हमको हर पॉसिबल सवाल के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है ग्रेन्स की, उसकी कैटेगरी क्लास 31 में खाओताई राइस को चुना गया। तो नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए अप्लाई किया, इसको ही मिला है। एंड देन याक चिरपी आता है, वेस्ट कमेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिक ब्रीड है याक की, जिसको मोनपास एंड ब्रोकपास ब्रीड करते हैं, ग्रो करते हैं। और याक चर्पी के बारे में आपको पता है अलग अलग वैरायटी आती है, सॉफ्ट एंड हार्ड वैरायटी, आप लोग बेटर जानते होंगे मुझसे। तो कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दोनों है, ये वेजिटेबल का सब्सटीट्यूट भी है और काफी रिच इन प्रोटीन वगैरह होता है, काफी लंबे टाइम पीरियड तक रखा भी जा सकता है अगर इसको प्रॉपरली स्टोर किया जाए। और इसके लिए एप्लीकेंट था आईकार नेशनल रिसर्च सेंटर दिरांग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑरेंज है वाक्रो ऑरेंज, वो कहाँ का है, किसी पर्टिकुलर एरिया का तो नहीं है। जैसे याक चर्पी की बात करें तो वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, ठीक है। और एप्लीकेंट कौन है, आईकार नेशनल रिसर्च सेंटर दिरांग। देखिए ये मिल्क प्रोडक्ट है, नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है जो याक, जो एक यूनिक ब्रीड है याक की, जो वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो उसका मिल्क का फर्मेंटेशन करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है, इसको आप चीज या पनीर टाइप समझ सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने इतना रिसर्च कर लिया है अरुणाचल के ऊपर और रिसर्च जारी, तो जितना ज्यादा मैं पढ़ रहा हूँ उतना ज्यादा ही, जैसे नहीं होता है कि आपके दिल में एक सॉफ्ट सेंटर की एक इच्छा कि हाँ जी अरुणाचल जरूर जाना है, कल्चर ट्रेडिशन हो गया, राइस, आप लोग हो गए, तो मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, यूनिक कल्चर, यूनिक नेचर, ठीक है। तो आप लोग भी अपने स्टेट की चीजों को चेरिश करिए, कल्चर और इन सब चीजों को चेरिश करिए। जब आप स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे अलग अलग डाइवर्स फीचर और इतने अच्छे लैंडस्केप, इतनी वर्सटैलिटी, इतनी डाइवर्सिटी, एंड येट ट्रेडिशन और कल्चर के साथ इतना जुड़ा हुआ स्टेट, तो आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलता।
जी मैं उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर दीजिए। जी लिली जी आएंगे, जरूर आएंगे, सबको बता के आएंगे, आप लोग ही गाइड करेंगे, आप लोग ही घुमाएंगे। ना जी पहाड़ी नहीं है, तो कह सकते हैं कि अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड, हमारा भी टेम्परेचर वैसा ही, हमारा भी लैंडस्केप वैसा ही है। तो चाणक्य नाम से एक नई स्पीशीज मिली है, किसका नाम है जी चाणक्य? एक स्पीशीज मिली का नाम चाणक्य के नाम पर रखा गया। मेरा यह सवाल है कि जब ये मिला, अगर आप लोग ऑप्शन कह रहे हैं सी जो कि सही आंसर है, तो तीन वैरायटी मिली थी, बाकी दो का नाम क्या रखा गया? एक का नाम चाणक्य रखा गया है, बाकी दो का नाम क्या है जी? फ्रॉग इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फ्रॉग की वैरायटी है। आप लोगों से बस इतना एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को, इस सीरीज को, चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी रिव्यूज हैं, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है तो भी बता दीजिएगा, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। ये क्लेम नहीं कर सकता मैं कि मैं परफेक्ट हूँ, और बेटर करना है। तो इसका आंसर चाणक्य नाम से फ्रॉग का नाम है, और बाकी और नाम आपको देखने को है। तो देखिए मार्च के महीने के आसपास एक वैरायटी मिली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और सेंट एंथनी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, इन्होंने मिलके तीन नई स्पीशीज निकाली। एक का नाम तवांग के नाम पे रख दिया गया, एक का नाम सेसा ऑर्चिड सेंचुरी के नाम पे रख दिया गया, एंड तीसरा नाम चाणक्य साहब के नाम पे रख दिया गया। अब ये चाणक्य कौन है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, चाणक्य जी के बारे में बताइए। इनके क्या कोई और नाम जानते हैं? ये कौन सी डायनेस्टी के अंडर में काम करते थे, क्या बता पाएंगे आप? ये तीनों जो फ्रॉक्स हैं, ये रेनिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इनका जीनस है एमोलॉप्स। तो चाणक्य तो आपको याद है, लेकिन उसके साथ की माइन्यूट डिटेल भी याद रख लीजिएगा। एक सेसा ऑर्चिड सेंचुरी के नाम पे नाम रख दिया गया, एक तवांग के नाम पे और एक चाणक्य के नाम पे। तो चाणक्य जैसा दिख भी रहा होगा, ये मौर्य एम्पायर के अंडर में काम करते थे। इनके दूसरे नाम में आपने सुना होगा कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज ऑफ इंडिया, अब ये ऐसे टाइटल्स क्या, मेगस्थनीज चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था स्कॉलर। पीटर जी दिख रहा है मौर्य पीरियड, देखिए ना आँख के सामने ये दिख रहा है जी, वो तो मैंने लिखा हुआ है सामने। मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिनिस्टर था, एडवाइजर था, वो तो चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का लिटरेचर लिखा है। अब कैनवी जी ने बोल दिया मकैवली ऑफ इंडिया, अब ये मकैवली कौन से देश का स्कॉलर है? कभी भी ऐसी चीजें मत जोड़ा करिए जिसपे और सवाल बन सके। बताइए एनबी जी बोल रहे हैं मकैवली ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो मकैवली किसी देश का स्कॉलर रहा होगा जी। संतोष जी मैं कह रहा हूं ना, मेगस्थनीज गलत बता रहे हैं, मकैवली बोला जाता है, मकैवली किसी देश का स्कॉलर रहा होगा। हाँ हाँ बहुत सेफ खेला है आपने, ग्रीक स्कॉलर बोल दीजिए। कैवली आपको इटालियन डिप्लोमेट है जी, ठीक है, इटालियन स्कॉलर, जो इटालियन रिनाइसा पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जिसने अपनी फेमस किताब लिखा है द प्रिंस नाम से। जैसे चाणक्य का जो वर्क है उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है, वैसे ही
मकैबली के जो वर्क है उसको बोला जाता है द प्रिंस, उसका बहुत फेमस वर्क है। तो ही इज एन इटालियन थिंग, इसीलिए एग्जामिनर एग्जाम में कभी भी इंटरव्यू देने जाइए, एग्जामिनर ऐसी ही चीजें पूछता है और उन्हीं चीजों पे आप खेलिए जो चीजों के बारे में आप 200% श्योर हो। एग्जामिनर को कभी ऐसा मौका मत दीजिए कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके और उस डोमेन में क्रॉस क्वेश्चन करे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको कायाकल्प अवार्ड मिला है इस साल, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सेपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तवांग में हांदो द्रोवा सांगमो जो हॉस्पिटल है उसको कायाकल्प डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुना गया। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो रस्किन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है उसको बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अवार्ड मिला है। कायाकल्प स्कीम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है कि हॉस्पिटल ने अपना कायाकल्प कर दिया, मतलब वो हॉस्पिटल जो क्लीनलीनेस हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे, जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया हो, एक कल्चर ऐसा डेवलप किया हो कि लोग अच्छा सा हाइजीन पे फोकस कर सके, सैनिटेशन पे फोकस कर सके, उनको ये अवार्ड मिलते हैं। तो कायाकल्प अवार्ड किसको मिला है, तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जिसका नाम है खांदो द्रोवा सांगमो हॉस्पिटल। इसके फीचर क्या है कि क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल का अपकीप अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन हाइजीन अच्छा होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, हॉस्पिटल की सपोर्ट सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और हाइजीन का प्रमोशन होना चाहिए। जब कोई हॉस्पिटल ये छह चीजों को फुलफिल करता है तो वो अप्लाई कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर चेक करेगी कि प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद अगर उसका होगा प्रॉपर तो कायाकल्प अवार्ड मिल सकता है। कायाकल्प का मतलब होता है एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कायाकल्प को समझना है तो ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आज का ये आखिरी सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आई गेस, नामसाई डिक्लेरेशन जो अभी न्यूज में देखने को मिलता है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। डिस्ट्रिक्ट 25 है वो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको हम अलग मानते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं काउंट होता कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को मानेंगे तो 26 है और नहीं मानेंगे तो 25 डिस्ट्रिक्ट। तो नामसाई डिक्लेरेशन एक्चुअली में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना है और बॉर्डर डिस्प्यूट को किसके साथ, आसाम के साथ। कुछ ऐसे एरिया है अराउंड 120 प्लस लोकेशन है जो दोनों स्टेट क्लेम करते हैं कि हमारा हिस्सा है, असम भी क्लेम करते हैं और अरुणाचल प्रदेश भी क्लेम करते हैं। तो उसी को सॉल्व करने के लिए दोनों सरकारों के बीच में नामसाई डिक्लेरेशन साइन हुआ। टोटल कितने विलेजेस हैं, 123 विलेजेस हैं, जिसमें से 37 के अकॉर्डिंग उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया गया है, बाकी और बच्चों का भी रिजॉल्व करना है। अब लोकल कमिटीज इसको मिलकर सॉल्व कर लेंगी। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के उनके काउंटर पार्ट श्री पेमा खांडू जी, इन दोनों के बीच में साइन हुआ। चलिए जी अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री का रैपिड फायर है, नंबर डालिए और आंसर लिखते जाइए, आपका टेस्ट है। क्लास लीव करके मत जाइएगा, ये सब आपका टेस्ट है, आपको बताना है। क्वेश्चन पहला बताइए, दूसरा नंबर लिखते जाइए, आंसर बताते जाइए, एक साथ मत करिएगा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का रैपिड फायर है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं आपको तो बताते चलिए, जल्दी से बताइए। द
संतोष जी कह रहे हैं पहला शिमला कन्वेंशन है, बाकी लोग बताएं। एक एक करके बताइएगा, सारा टाइप मत करने लगेगा। बुरांग जी कह रहे पहला शिमला है, तो इसका याद रखिएगा, शिमला कन्वेंशन में 1913-14 के आसपास ये जो लाइन डिसाइड की गई उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, क्योंकि जो मीडिएटर था अंग्रेजों की तरफ से उसका नाम था मैकमोहन। ठीक है जी। दूसरे सवाल की बात करें तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 1965 में। देखिए असम गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 1950 गया, और 1950 के बाद 1965 में इसका कंट्रोल होम अफेयर्स को दे दिया गया, यानी अमित शाह जी जिस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं उसको दे दिया गया। पहली पांच डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कामेंग डिस्ट्रिक्ट, सुबानसिरी हो गया, सियांग हो गया, लोहित हो गया एंड तिरप हो गया। तो पांच डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, कामेंग है, सुबानसिरी, सियांग, लोहित एंड तिरप। नेफा यूनियन टेरिटरी कब बना है, इसका जवाब 1972। जी बिल्कुल। तो पेशेंस का काम है, सबके आंसर दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कहां डाउट है कहां प्रॉब्लम है। पांचवा सवाल, फुल फ्लेज स्टेट कब बना, तो पांचवे का आंसर दीजिए, फुल फ्लेज स्टेट कब बना, पांचवे का आंसर है जी 1987। कौन से नंबर ऑफ स्टेट बना इंडियन यूनियन का, इंडियन यूनियन का ये 24th स्टेट बना, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। मैंने आपको बताया स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर क्योंकि अरुणाचल को कुछ स्पेशल प्रोविजन देने थे, तो प्रोविजन क्या है, वो स्पेशल पावर्स क्या है, वो स्पेशल चीजें क्या क्या मिली है, वो लिखने के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, तो उस आर्टिकल को जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इस्तेमाल किया गया, तो उसका नाम था 55th। 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता है, पीटर जी कह रहे हैं 317H। थ्री सेवेंटी वन एच बोल रहे हैं जी। थ्री सेवेंटी वन एच है जो कि करेक्ट आंसर है। एफ याद रखिएगा सिक्किम के लिए, 370F सिक्किम के लिए, 371 तो एफ एच मतलब ये सब क्लॉजेज है, आर्टिकल 371 ही है, उसकी जो लाइनें जोड़ी गई है तो क्लॉज ए क्लॉज बी, तो वैसे ही एफ सिक्किम के लिए और एच अरुणाचल के लिए, और बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि सिक्किम पहले बना है तो एफ उसके लिए आएगा क्योंकि ए बी सी डी से स्टार्ट हुआ होगा। जी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा जी हो गए, पहले चीफ मिनिस्टर थुंगोल साहब हो गए जी, ठीक है। पहले गवर्नर की बात करें, पहले गवर्नर कौन थे, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए। तो ये आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ए राजा हो गए, पहले चीफ मिनिस्टर थुंगोन साहब हो गए, देन भीष्म नारायण, तो गवर्नर है भीष्म नारायण जी, पीएन सिंह जी। पहली वुमन नॉमिनेटेड मेंबर,
और इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बताइए मुझे, बाकी तो आप लोग बता देंगे। जो मेन आप लोगों के लिए टास्क है दैट इज, आप ये बताइए कि पहले नॉमिनेटेड कौन है और इलेक्टेड कौन है। तो याद रखिएगा, जो पहले नॉमिनेटेड लेडी है उनका नाम है सीबो काई जी। तो नॉमिनेटेड है सीबो काई जी और जो इलेक्टेड है उनका नाम है एन वैली। तो नॉमिनेटेड में सीबो काई जी है और इलेक्टेड में एन वैली जी है। पहले नॉमिनेटेड एमपीसी के गोहेन साहब हैं जी। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपका ये सेशन एंड होगा। पहले डिप्यूटी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन है जी? इसके लिए हिंट ये है कि इनके नाम पे आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको पता है, बी इरिंग साहब, ये डिप्यूटी मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्पीकर का नाम बता दीजिए, पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा ये बता दीजिए, कितनी बार लगा है, ये सारे सवाल है जो रिपीटेडली पूछे जा सकते। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, पहले स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन थे? एनएन, याद रख लीजिए, ठीक है, नोक में नमाती जी, एनएन। पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा है 1979 में। टोटल बार प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगाया अरुणाचल में? 2 बार लगाएगी। कितनी बार लगाए जी? 2 बार लगाए। एक बार तो लग गया था 79 में, दूसरा बार अभी बाद में लगाए। तो प्रेसिडेंट रूल दूसरी बार लगाए आपका 2015-16 के आसपास। ठीक है जी, दूसरी बार लगा है 2016 में, जनवरी से फरवरी तक, 2016 में लगा है। तो 2 बार लगा है। और अभी के चीफ मिनिस्टर साहब कौन है? पेमा खांडू साहब है। अभी के गवर्नर कौन है? परनायक साहब है जी। अभी के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बताइए, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर में तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं होगी, केटी परनायक साहब हो गए और चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू साहब हो गए जी। सेकंड टाइम 2016 में लगा है, पहली बार 1979 में लगा था, दूसरी बार 2016 में लगा है, लेकिन इसको कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था कि ये गलत तरीके से लगाया गया। पहले स्पीकर नॉक में नमाती जी एन एन, ये सवाल पूछा गया। नॉक में नमाती जी, अभी के स्पीकर पीटी सोना साहब, डिप्यूटी स्पीकर बताइए। नॉर्मली नहीं पूछा जाता लेकिन हमको उसके लिए भी रेडी रहना है अगर पूछ लिया गया तो। तो याद रखिएगा, तेसम पोंगते जी डिप्यूटी स्पीकर है। ठीक है जी, तो पीडी सोना साहब एंड तेसम पोंगते जी डिप्यूटी स्पीकर का काम है कि जब स्पीकर नहीं हो तो वही मेन काम देखते। लोकसभा के एमपी कौन कौन है जी? तो लोकसभा में एमपी अभी कौन है, राज्यसभा में एमपी कौन है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60 है, जिसमें से एक ही अनरिजर्व्ड है, उसका नाम बता दीजिए।
तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक क्विकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो जी बोर्ड दुमसा दियुम एक इकलौती अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टोटल 60 है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब 30 हुआ करती थी, आज 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुकी हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ चुकी है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती। तो अभी लोकसभा के एमपी 2 MP हैं, राज्यसभा में 1 MP है। अभी लोकसभा कौन कौन है, किरेन रिजिजू साहब है, तापिर गाओ साहब है, और राज्यसभा में नेबम राबिया जी। तो राज्यसभा में कौन है, नेबम रेबिया जी हैं, और लोकसभा में अरुणाचल वेस्ट से किरेन रिजिजू साहब है, और अरुणाचल ईस्ट से तापिर गाओ साहब है। अरुणाचल का हाईकोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, उसकी ईटानगर ब्रांच है। यूनिकैमरल है यानी एक ही हाउस है। तो राज्यसभा कौन है, नेबम राबिया जी, रेबिया जी, एक्चुअली में REBIA आई गेस स्पेलिंग है। लोकसभा में कौन है, किरेन रिजिजू है, ये तो मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, और दूसरे हैं तापिर गाओ जी। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम रैप अप करते हैं, उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से हर एक पॉसिबल कोशिश है कि आप लोगों को बेस्ट चीजें दी जा सके। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अगले वीक में भी जो अपकमिंग वीक है उसमें भी कुछ और सेशन लाने की कोशिश करेंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी तक एक ही लेक्चर देखा है, बाकी लेक्चर्स नहीं देखे, बाकी लेक्चर्स देख लीजिए, हाईली रिकमेंडेड है, सब चीजें कवर की है मैंने उसमें, फर्स्ट इन अरुणाचल से लेके मेडिकल फील्ड से लेके सोसाइटी से लेके वाइल्ड लाइफ से लेके करंट अफेयर से लेके सब कुछ, PYQ से लेके हर पॉसिबल चीज को कवर करने की कोशिश की। ओके जी, थैंक यू जी, और सब लोग जो भी वर्ल्ड कप के इंटरेस्टेड हैं, आज इंडिया की जीत सेलिब्रेट करेंगे शाम को सब लोग साथ। ओके जी, पिंकी जी थोड़ा रिकॉर्डेड से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, stay safe, stay healthy, stay protected, keep revising and keep asking your doubt. अलिंग जी ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉर्मली 6 PM पे हम क्लास रखते हैं, लेकिन कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो ये मेरा नंबर है 9911675330। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके आंगा जी, दैट्स द स्पिरिट, एग्जाम सामने है, मैच नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना मत छोड़िएगा, बस अच्छा खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइएगा, मौसम खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर मैंने बताया ना, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको फ्री ग्रुप में ऐड करूँगा। अगले सेशन में मैं लिंक में ही जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ जी, मिक्स्ड क्लासेस रहेंगी मेरी, करंट अफेयर भी थे इसमें, देखिए सब करंट अफेयर ही था, ये नानसा डिक्लरेशन को आप, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये सब करंट अफेयर है, 6 से 7 महीने का करंट अफेयर लिया है मैंने, ये GI टैग करंट अफेयर है, मेरी माटी मेरा देश सब करंट अफेयर्स है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।